गाइस वेलकम टू माय एक्शन की वीडियो। आज की वीडियो में बहुत अच्छा होने वाले हैं। तो नहीं, ओ सॉरी, ये निकाल लिया था मैंने ही। तो तो हम अभी बनाएंगे एक चांद वाला, हम ब्लैक कलर कर देंगे, फिर उसके बाद एक सर्कल एक बीच में रखेंगे और उसको भी पेंट कर देंगे। फिर वो आधा होगा उसको चांद पेंट करेंगे ये ब्रश फॉर्म से, है ना। चलिए 1 2 3। तो गाइस कुछ इस टाइप से पुश करेंगे, ऐसे 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 करके थपथपाएंगे। आई आई निकल जा। तो अब हम यहाँ को ऐसे करके पेंट करेंगे, है ना। रुकिए, ऐसे करके यहाँ को भी ऐसे करके थपथपाएंगे जैसे चांद को थपथपाया हमने। ये दरअसल चांद है। और ऐसे करिए हम यहाँ इस टाइप के पोर्शन को भी थपथपाएंगे कुछ इस टाइप से। तो गाइस अब हम ना ऐसे करके थपथपाए हैं जैसे चांद को अपन ने थपथपाया, वैसे ही इसको भी थपथपाया है। अगर ये ब्लर लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसको एक और बार कोट कर देना अगर ब्लर ऐसा टाइप का दिखेगा तो। तो गाइस मैंने भी एक और कोट लगा दिया, आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पर कुछ तो मिसिंग है, रुकिए मैं इस पर कैसे करके झूमर राइट बना दूँगी, मज़ा आएगा बहुत। तो गाइस मैं बहुत मम्मी से पूछ के आई कि मम्मी आपको कैसा लग रहा है, इस पर झूमर लाइट डालना चाहिए। चलो आओ दीदी से भी पूछते हैं। दीदी दीदी इस पर झूमर लाइट डालू या नहीं इस पेंट में? तो दोनों का जवाब ये है कि मैं इसमें झूमर लाइट डालूं। तो चलिए डालते हैं। तो गाइस मेरा झूमर लाइट तो बन चुका है, ये देखिए। और मतलब बीच बीच में रोकना पड़ता है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप झूमर लाइट उसमें डाल भी रहे हैं, अगर आप झूमर लाइट नहीं डाल रहे तो कोई बात नहीं, अगर आप झूमर लाइट एयर ड्राइंग में डाल रहे हैं तो थोड़ा ना पतले ब्रश से, पतले ब्रश से करिएगा, क्योंकि अगर मोटे ब्रश से करोगे तो फिर मतलब उसका जो स्टिक होता है ना ऐसे ऐसे वाला, वो बहुत मोटा बन जाएगा, फिर आपको अच्छे नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा रिस्की है ये। और आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए आपको ये ड्राइंग कैसी लगी। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।